भाई जब आप हार्बर लाइन के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा आगे। तो भाई ये जो वीडियो है करीब करीब दो दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, और भाई मैं बता दूँ बहुत सारी अच्छा अच्छा ये लाइन में आप सफ़र करेंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ अभी अपने रूम के साइड में, और अभी इधर से जा रहे हैं वडाला हार्बर लाइन में, और भाई बारिश हो रही है तो बारिश में सोचा आप सभी को ब्लॉग शूट करके दिखाया जाए क्या हाल समाचार है मुंबई का, वो दिखाया जाए। भाई ये देख लीजिए, अभी फिलहाल मैं गली में हूँ भाई। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, वो बारिश हो रही है जो छूटता नहीं है भाई दिन भर। फिलहाल अभी निकलता हूँ इधर से रोड पे, देखता हूँ रोड का क्या माहौल है। ओ भाई साहब ये है गली का नज़ारा, देख लीजिए बारिश हो रही है, और छाता ले लिया हूँ ताकि बारिश का ब्लॉग आप सभी को शूट करके दिखा पाऊँ भाई। तो भाई साहब आ चुका हूँ रोड पे, और देख लीजिए रोड का क्या नज़ारा है बारिश का भाई। हाँ, यह है बारिश का नज़ारा भाई। आओ थोड़ा अभी वो साइड चलता हूँ मैं, और भाई बैग आगे टांग लिया हूँ ताकि पीछे भीग जाता है यार, छाता इतना बड़ा तो है नहीं कि पीछे टांगों तो बच जाए। और ये देख लीजिए बारिश में गाड़ी चल रही है भाई, और अभी तो सब छतरी निकल करके जा रहा है। ये है बस का कुछ ऐसा नज़ारा भाई, अभी चलता हूँ वो साइड। बारिश में ब्लॉग बनाना बहुत मज़ा आता है। एक दो दिन से नहीं बल्कि 15 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, अभी आएगा 2-3 दिन बारिश वाली ब्लॉग भाई। सिर्फ मुझे उधर जाना था, लेकिन चलो आगे से पार हो जाता हूँ। आ चुका हूँ रोड पे, और यहाँ पे देखिए बस स्टॉप के सामने क्या भीड़ है भाई साहब। ये देखिए सब छतरी ले लेके खड़ा है, और यहाँ पे देखिए बस स्टॉप भी फुल है भाई। अभी बस का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे यार बताया हूँ आप सभी को पहले भी कि बस बहुत ही लेट से आता है। बाकी ऊँची ऊँची बिल्डिंग देखिए, और बारिश हो रही है तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। फिलहाल मैं इधर से जाने वाला हूँ वडाला, अभी चलता हूँ स्टेशन पहले मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो भाई ये जो वीडियो है करीब करीब 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, और मैं अभी हूँ खारे स्टेशन में भाई, और अभी इधर से जाने वाला हूँ वडाला। 2 दिन पहले ही जाने वाले थे तो हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरा माइक था ना भाई, माइक में वीडियो शूट तो हो गया लेकिन आवाज़ नहीं आया था, तो पूरा का पूरा वीडियो ख़राब हो गया, इसी कारण से उस दिन नहीं जा पाए। तो आज जाएंगे, और किस लिए जा रहा हूँ भाई, वहाँ का जो चोल वगैरह रहता है ना वो रेंट दिखाता हूँ। मेरा एक और चैनल है जो आप सभी को नहीं बताए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में बता देते हैं। उस चैनल का नाम है निठल्ले ब्लॉगर। यदि आप मुंबई में रूम रेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर आप देख सकते हैं जा करके। और बाकी ट्रैवलिंग करेंगे इस पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा खार स्टेशन का आप सभी को नज़ारा मैं दिखा दूँ भाई। ये देखिए मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ भाई, और यहाँ पे देखिए यार किस तरह से बरसात में छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं भाई। कितना दिक्कत होगा पता नहीं, जो रहते हैं उन्हीं को मालूम होगा कितना दिक्कत होता होगा। फिलहाल ये स्टेशन है भाई, और अभी इधर से जाने वाला हूँ। CST की गाड़ी आएगी करीब 12:10 में। अभी 12 बज रहा है तो करीब अभी भाई 10 मिनट टाइम बाकी है, तो सोचे थोड़ा सा हर स्टेशन का नज़ारा दिखा दूं, और बता दूं CST की गाड़ी आएगी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। आप कभी खार आते हैं तो देखिए ये जो अभी लगी है ये चर्ची गेट की लगी है भाई, और इसके बाद आएगा शायद CST वाली। तो अभी चलेंगे इधर से वडाला। भाई जब आप हार्बर लाइन के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा आगे। आइए मैं दिखाता हूँ, ये जो ब्रिज के ऊपर से जाती है ना भाई लोकल, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आइए थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जब हार्बर लाइन में आप जाएंगे तो ही ये नज़ारा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, खार से चढ़ेंगे तो देखने के लिए मिलेगा, और माहिम से चढ़ेंगे तो देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। देखिए ये ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर लोकल ट्रेन जा रही है, और नीचे भी ट्रेन जाएगी, अभी आपको वो दिखाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, और ऊँची ऊँची इमारतें देख सकते हो।
भाई देख सकते हो नीचे लोकल गुजर रही है, यही है हार्बर लाइन का थोड़ा सा नज़ारा का आनंद उठाते हुए अभी चलता हूँ वडाला भाई। और ये जो सामने देख रहे हैं ये सिनेमा हॉल है बांद्रा स्टेशन का सबसे बड़ा। भाई ये जो देख रहे हैं माहिम स्टेशन का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी ये है भाई, और इसके आगे चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा धारा भी। जब हार्बर लाइन से सफ़र करेंगे ना तो ये किनारे किनारे लोकल जाती है, तो ये सब नज़ारा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भाई। ये बहुत ज़्यादा इधर झोपड़पट्टी है, कभी आएंगे इधर भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ इधर का नज़ारा दिखाएंगे आप सभी को। भाई इधर देखिए कितना सारा चोल वगैरह देखने को मिलेगा आप सभी को। ये वडाला स्टेशन अभी आ जाएगा सामने, कितना ज़्यादा हरियाली है। आया हूँ वडाला थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आप सभी को दिखाने के लिए। ये देखिए नीचे पटरी जा रही है भाई, और इधर देखिए कितनी ज़्यादा झोपड़पट्टी स्लम एरिया है भाई, ये नीचे देख सकते हो। और ये अभी ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ भाई, और इधर से सफ़र करो तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना भाई, मोबाइल बाहर निकाल करके शूट ना करें अन्यथा आपका मोबाइल भी जा सकता है। ये देखिए सब चोल है जो नीचे अभी देख रहे हैं आप। भाई ये है वडाला रोड स्टेशन, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो भाई। ये है ब्रिज, और इधर मैं नहीं जाने वाला हूँ, और ये पब्लिक ब्रिज है भाई, ये चले जाएंगे ईस्ट में। फिलहाल मैं अभी इधर से जाने वाला हूँ वेस्ट में, और वेस्ट एक्सप्लोर करने वाला हूँ, देखूँगा क्या क्या है नहीं है, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। और भाई मैं बता दूँ बहुत सारी अच्छा ई लाइन में आप सफ़र करेंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भाई। जब ब्रिज से गुजरती है तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता ही है, और साथ ही साथ आप कभी इधर एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए सामने लोकल आ रही है भाई, ये सब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल मैं चलता हूँ वेस्ट में। ये देखिए ये पब्लिक ब्रिज है, इधर से आप वेस्ट में जा सकते हैं। और पता है आप सभी को अभी बारिश का मौसम है तो नीचे पानी ही पानी देखने के लिए मिलेगा, और इधर काफ़ी सारा चोल वगैरह है भाई, और मुंबई का हर सिटी में चोल रहता है। आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं घूमे हैं तो कोई बात नहीं। ये देख लीजिए ये आ गया हूँ वेस्ट में, और वेस्ट का रोड कुछ ऐसा दिखता है। अभी चलता हूँ बाहर। तो भाई मुझे जाना था वेस्ट में, फ़िलहाल मैं वेस्ट में नहीं बल्कि ईस्ट में जा रहा हूँ, और ईस्ट का क्या नज़ारा रहता है वो सभी को दिखाएंगे इस ब्लॉग में। फ़िलहाल मैं इस ब्रिज के ऊपर में हूँ, जिस ब्रिज के बारे में आप सभी को बताए थे कि यह है पब्लिक ब्रिज, आप इससे जा सकते हैं आगे की ओर। तो फ़िलहाल मैं यही ब्रिज पकड़ के अभी चलूँगा ईस्ट में, और ईस्ट में जिस लिए जा रहा हूँ आपको उस चैनल पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा जो भी रेंट वगैरह का रहता है, क्योंकि उस पर सिर्फ रेंट से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। और देख लीजिए यह है ब्रिज का कुछ ऐसा नज़ारा। मैं आ चुका हूँ वडाला रोड ईस्ट में, और ईस्ट का आप नज़ारा देख सकते हो, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। नीचे बस पार हो रही है, और इधर देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा चोल वगैरह है। ये सब सारी वीडियो आप सभी को उसमें देखने के लिए मिलेगा मेरे निठल्ले ब्लॉगर चैनल में। और भाई यहाँ पे आया हूँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिला, पहाड़ों के ऊपर घर बनी हुई है और चोले वगैरह है भाई 4-5 महले का। अभी उधर चलेंगे और उधर का दिखाएंगे कि क्या दिखता है, गली कैसा दिखता है और किस तरह से चोले बनी हुई है, वो आपको उस जगह पर जा करके दिखाएंगे। बाकी यहाँ से देख सकते हो सामने जो दिख रहा है ना पहाड़ टाइप का, उधर काफ़ी ज़्यादा चोल वगैरह है, और नीचे देखिए ये रोड है भाई। ईस्ट कभी आएंगे घूमने के लिए तो ईस्ट का ऐसा नज़ारा है। आइए ये ब्रिज से पकड़ के नीचे उतरता हूँ, और नीचे आप सभी को थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। सो गाइस सभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिलहाल वडाला रोड तो काफ़ी ज़्यादा घूमे उधर, और आप सभी को नज़ारा भी दिखाएं। और अभी मैं आ चुका हूँ सांता क्रूज स्टेशन, और अभी इधर से मैं जाने वाला हूँ जॉब पे भाई। ये देख लीजिए ये सांता क्रूज स्टेशन का ऐसा नज़ारा है। फिलहाल मैं इधर से होते हुए अभी चले जाऊंगा प्रभात कॉलोनी अपने जॉब पे। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।